नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं आपका दोस्त अमित महाजन। रोज ही की तरह हमारी टीम जाती है दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में ये पता करने कि कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, क्या किया केजरीवाल ने 5 साल, क्या विधायक ने किया आपके क्षेत्र में काम, ये हो गए हैं फेल। तो शुरू करते हैं आज की नई रिपोर्ट हरिनगर विधानसभा से। जगदीप सिंह कुछ काम कराए यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं कराए सर जी। जगदीप सिंह अभी आते हैं यहाँ पर? नहीं आते हैं। काम कराया कुछ? विधायक को कितने नंबर दोगे? अपने विधायक को तो भाई साहब 10% जी। विधायक को कितने नंबर दोगे? बिल्कुल नहीं। विधायक को कितने नंबर दोगे? जीरो। विधायक को कितने नंबर दोगे? जीरो जीरो जीरो। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा जुम्मन नाम है। कहाँ रहते हैं? हम यही मच्छी मार्केट में रहते हैं। कौन सा इलाका पड़ता है ये? मच्छी मार्केट फेज 2। अच्छा, चुनाव आता है, वोट करते हैं आप लोग? जी करते हैं वोट। विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आप लोगों की राय क्या है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। 5 साल केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, बढ़िया है, कैसा काम किया उन्होंने? काम तो ठीक ही किए हैं। उसे कामों से? हाँ, काम ठीक है। अच्छा, आपके यहाँ से विधायक एमएलए को जानते कौन है? हाँ, एमएलए को जानते हैं? जगदीप जी हैं। कभी आते हैं यहाँ पर? बहुत कम आते हैं। कुछ काम करवाया यहाँ पर? ना, यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं कराया? ना। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है सर। राजकुमार, कहाँ रहते हो? यही मायापुरी में रहते हैं। चुनाव आता है, वोट करने जाते हो? बिल्कुल जाते हैं। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आप लोगों की राय क्या है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हमारे हिसाब से तो केजरीवाल होना चाहिए। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल किस लिए होना चाहिए? क्योंकि वो कम से कम गरीब लोगों को देखता है। अच्छा, हाँ, कितने नंबर देंगे केजरीवाल को 10 में से? केजरीवाल को 100 से 100% देंगे। और अपने एमएलए को? एमएलए को तो बिल्कुल नहीं देना चाहते, क्योंकि वो ढंग से सुनता नहीं है। नहीं है जी। भाई साहब, आपका नाम क्या है? बिरिलाल। कहाँ रहते हैं? यही झुग्गी में रहता हूँ। चुनाव आता है, वोट करने जाते हैं? वोट तो देता हूँ। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब जिसका भाग होगा होगा, जीतेगा। 5 साल केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, खुले भागे फूट गए। अब क्या करें भाई, दुनिया ऐसा ही है। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं। चुनाव आता है, वोट करते हैं? हाँ जी करते हैं। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? केजरीवाल अपनी जगह सही है, बाकी यहाँ का जो विधायक है वो सही नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? विधायक ने क्या काम दिखाता हूँ, उनका काम दिखाता हूँ। क्या गलती कर दी? आप ना दिखाता हूँ आप। तो क्या कर दिया? देखो अपनी आंखों से देखो। बताइए, भले 3.5 साल से नाला बना दिया है, उसका ना उधर मिलाया ना इधर मिलाया, ये यहीं नाला बना हुआ है। काम नहीं कराया? मतलब कोई काम नहीं है, सड़क नहीं, देख लो, और बोरिंग करवा दिया वहाँ, अभी तक झुग्गी वालों को पानी नहीं मिल रहा है। देखो कैसे पानी गिरा, टैंकर से पानी आता है, लेडीज ये सारी दिन ये पानी भरती रहती हैं। और बड़ा नाला है, 8 फुट का नाला है, आज तक वो नाला कभी सफाई नहीं करवाया। क्या नाम है आपका? मोतीलाल जी। कहाँ रहते हो? फेज 2। चुनाव आता है, वोट करने जाते हो? सर जी, केजरीवाल का हेल्प हम ज़्यादा करते हैं, लेकिन शौचालय लिए यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, आपके इलाके से विधायक कौन है, एमएलए जानते कौन है? केजरीवाल। विधायक तो केजरीवाल हैं। एमएलए का नाम नहीं पता? नहीं, उनका ये पीएम जगदीप सिंह। कुछ काम कराए यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं कराए हैं सर जी। क्या लगता है, विधायक बदलना चाहिए? हाँ, विधायक बदलना चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन ये शौचालय बदलना चाहिए। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? बीपी सिंह मेरा नाम है। बीपी सिंह जी कहाँ रहते हैं? हम मायापुरी रेवाड़ी लाइन फेज 2 में रहते हैं। चुनाव आता है, वोट करने जाते हैं? हाँ जी, वोट करने जाते हैं। विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? नेता लोग सिर्फ यूज करते हैं, इसके यूज करने के बाद छोड़ देते हैं, कोई काम नहीं करते। यहाँ का MLA, एक यहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ था, सुबह सुबह पानी शाम को सप्लाई होती थी, ट्यूबवेल बंद पड़ा हुआ है, 8 महीने से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है, नाला बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है, और पानी बिल्कुल सबके झुग्गियों में घुसा हुआ है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारी चाहे आपको अभी नाला दिखा रहे हैं। सुलभ शौचालय यहाँ पर साल भर से बंद पड़ा हुआ है, और इसके लिए आते हैं MLA साहब, कहते हैं हमारे फंड में पैसा नहीं है। और कल पार्षद महोदय आए, लेडीज वाला खुलवा दिए, लेकिन अभी तक जेंट्स का नहीं खुला हुआ। इतनी बड़ी समस्या है, यहाँ इतनी भारी संख्या में पब्लिक रहती है, और सुलभ शौचालय खुल नहीं रहा है, बहुत बड़ी कठिनाई और समस्या है। आप लोग क्या विधायक बदलना चाहिए? बिल्कुल जी, विधायक तो बिल्कुल बदलना है, तो सबके अंदर एकदम वो पैदा हो गया कि विधायक नहीं रहना चाहिए। जो आपकी राय क्या है, केजरीवाल रहना चाहिए या विधायक बदलना चाहिए?
नहीं, केजरीवाल तो ठीक है अपने जगह पर ठीक है, लेकिन विधायक की कमी है और यहाँ पे नगर निगम के दोनों की कमी है एक तरह से। दोनों ही काम नहीं करते। नहीं, लोग कहते हैं कि झुग्गी में सिर्फ हमें कोई फंड नहीं आता झुग्गी में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि ये कच्ची कॉलोनी है, इनकी कोई हत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ खाली वोट के लिए लोग आते हैं और टाइम आएगा तो बस अब सब मीडिया टाइम आ गया, वोट के टाइम आ गया, मीडिया तो आ ही गई, नेता भी आ जाएंगे। आती है जब इस टाइम आता है तभी नजदीक, तो नेता भी आएंगे। तो क्या कहोगे अपने विधायक को, क्यों वोट दोगे अपने विधायक को? भाई विधायक को तो वोट देंगे हम, लेकिन अब किसको देंगे अब ये क्या बता सकते हैं हम। लेकिन जो अभी मौजूदा विधायक है आप लोग बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलना चाहते जी। किसको पसंद करेंगे यहाँ पर? आप पसंद करेंगे प्रत्याशी, पहले चेहरा हमारे सामने आए तब पसंद करेंगे। आप लोग आम विधायक को नहीं पसंद करना जो एक पैसे काम नहीं किया यहाँ पर। हाँ जी भैया, आपका नाम क्या है? कहाँ रहते हैं? चुनाव आता है वोट करने जाते हैं एकदम। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? केजरीवाल चाहिए। कौन केजरीवाल? केजरीवाल बढ़िया आदमी है। क्या बढ़िया काम किया? चीज दे रहे हैं सुविधा। आपके इलाके से विधायक कौन है? जगदीप सिंह। अभी आते हैं यहाँ पर? नहीं आते हैं। उनका नाम कौरवीर सिंह है, डॉक्टर है और वो करीबन लोगों में आकर आजकल शौचालय के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और मैपुरी में कुछ लोगों को वो काम सेवा करते हैं। अरे बात बताइए, अगर वो यहाँ पर विधायक के लिए चुनाव लड़ने आए तो क्या उन्हें वोट देना पसंद करोगे? जो अगर पब्लिक में काम करेगा तो उसको पसंद तो जरूरी करना चाहिए। केजरीवाल जी का झाड़ू लेके विधायक वो आ जाए, क्या नाम बताया था आपने? मैं सबसे पहले तो उनकी डॉक्टर कौरवीर सिंह, मगर सबसे पहले मैं ये चीज़ नहीं बतलाऊंगा, थोड़ा हमारा ये परेशानी देखिए, ये बतलाइए। सिर्फ काम करेगा इस बार, यहाँ के सबकी जनता की यही राय है कि जो हमारा काम करेगा उसको हम वोट करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। केजरीवाल आप लोग वो पसंद करते हो? केजरीवाल को तो पसंद करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए पसंद करते हैं, ये नहीं कि यहाँ के काम के लिए नहीं। यहाँ जब 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 विधायक को वोट दोगे तो वो जीत जाएगा दोबारा? विधायक हमें अगर चाहिए तो वैसा विधायक आना चाहिए ना जो काम करे। बदलाव चाहते हो आप लोग? जी। कहाँ रहते हैं? झुग्गी में रहते हैं। चुनाव आता है वोट करते हैं? करते हैं। अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आपकी राय क्या, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? बड़े तो अरविंद केजरीवाल है, पर यहाँ के विधायक मतलब बदलना चाहिए। विधायक से ऐसी नफरत क्यों? क्यों, वो काम कुछ भी नहीं किए। केजरीवाल के विधायक का काम नहीं किया? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं किए। हर एक जगह देखे नाली देखी, हर एक जगह देखिए, और यहाँ पूर्वांचल के में विधायक होना चाहिए। अच्छा, विधायक बदलना चाहिए? विधायक बदलना चाहिए।